हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे यही दुआ करती हूँ। तो आज सुबह सुबह मैं और मेरी भांजी दोनों जा रहे हैं अष्टकामनी माँ के मंदिर में। तो फ्रेंड, हम लोग अष्टकामनी माँ के मंदिर की दर्शन करने के लिए बस पर बैठ चुके हैं और अब यहाँ देखिए हम लोग मंदिर में पहुँच गए हैं। यहाँ काफ़ी सारे दुकानें हैं जो कि फूल मालाएं और ये सब लिए हुए हैं। हमने भी प्रसाद फूल माला खरीद ली है। नारियल वगैरह जो होते हैं वो सब मैंने खरीद कर मंदिर में प्रवेश कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ जो पुजारी बाबा हैं उन्हें मैं अब ये दे रही हूँ कि मेरे भी प्रसाद चढ़ा दे। तो ये फ्रेंड ऐसा मंदिर है कि पूरे भारत में अष्टकामनी माँ की मंदिर को जाना जाता है। इस मंदिर में जो भी आता है वो निराश होकर नहीं जाता है। माताएं उनकी हर इच्छा पूरी करती है। तो यही सुनकर हम लोग भी इस मंदिर में आए हैं कि हमारे भी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाए। और ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ और यही दिखाना चाहती हूँ कि ये भारत के बच्चे बच्चे इस मंदिर को जानते हैं। तो फ्रेंड, आज ये विक्रमगंज में मंदिर स्थापित है और यहाँ हर तरह से इनकी मतलब सेवा की जाती है और हम सब भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो फ्रेंड, ये देखिए सब फूल मालाएं। और अब मैं नारियल चढ़ाकर यहाँ ये जो पुजारी बाबा हैं वो बता रहे कि आकर अपना संकल्प छुड़ा ले। तो मैंने भी ये जो प्रसाद चढ़ा ली थी तो अब नारियल है उस नारियल का संकल्प छोड़ा रही हूँ। तो इस तरह से पुजारी बाबा जो मंत्र जाप होते हैं वो पढ़ रहे हैं और नारियल से संकल्प को छोड़ा रहे हैं मेरी। और ये नारियल अब मुझे बोल रहे हैं संकल्प करने के बाद फिर वो मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ दक्षिणा दो। तो मैं भी उन्हें कुछ दक्षिणा दे रही हूँ। और इसके बाद वे मुझे बोल रहे फ्रेंड कि इस नारियल को ले जाकर ये बीच वाली जो गोल पतली है उस पर आप फोड़े और यहाँ ये शिवलिंग है जो इस पर आप चढ़ा दे। तो फ्रेंड, मैंने पंडित जी के बताए हुए हर बात को फॉलो की हूँ और उन जैसे उन्होंने बोला उसी तरह मैं करते गई। और अब मैं मंदिर से बाहर निकल रही हूँ फ्रेंड। और यहाँ देखिए हवन कुंड है, इसमें मैंने भी जो शकील वगैरह था उसे हवन कुंड में डाल दी। और फ्रेंड, अब मैं बाहर वापस आ गई हूँ। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।